उपनिषद कहते हैं ना क्या, तेन त्यगते न भुंजिथा मागृध कश्यस्विधनम ईशावश्यविदम सर्वम। पहले कि भगवान का सब कुछ है संसार में, सब कुछ संपत्ति प्रभु का है, तेन त्यगते न भुंज मागृध कश्यस्विधनम। आप संसार में जो कुछ देखते हो सुनते हो सब किस पर कहा, जत्किंचित जगत्याम जगत तेना त्यगतेना भुंजी था, इसको त्याग पूर्वक भोग करो। भोग दो प्रकार है, कैसे हो, एक लालसी कामी का भोग जिनमें रोग पैदा होता है, और जो निमित्त मात्र संसार में रहकर भोग करते हैं निष्पृह रहकर उनको भोग का माया लगते है। अरे निरोधी लीला है भाई, इनमें कथा जो कहते हो कथा नहीं है, वो गपड़ी है, कथा प्रभु बताते हैं। प्रभु का कथा कहने के लिए किसका सामर्थ्य नहीं, टीकाकारों कहते हैं अर्थम जस्य विवेचितुम नहि कदा वैश्वानरो भगवते। वाणी का मालिक, हम तो वाणी बोलते हैं कथा कहते हैं, ये कथा का जो मालिक है वह कौन है, भगवान अग्निदेव वैश्वानरु विश्वनर संबंध, जो वाणी बताने का प्रेरक है, जिसका कृपा से हम जिस देवता हमारा वाणी में रहते हैं, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चार प्रकार वाणी हम कहते हैं। भागवत कहता है शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी चार वाणी के बारे में विशेष वर्णन है इक्यादश खंड। तो बरहा पीड़म नट बर बपुह, इसमें हम आए हैं अभी काल के बारे में, काल परिसंघर करते हैं और एक काल परमात्मा का तेज का अंतराल से काल का उत्पन्न हुआ और काल से आत्मा संजात है, जैसे प्रभु जी प्रभु के नाभि से कमल और कमल का केसर कर्णिकार में कमल का बीच में ब्रह्मा पैदा हुआ, तो स्वयं हुआ ब्रह्मा, पहले तो उनका पिताजी को भी नहीं पहचानता। दूसरा स्कंद देखो, अथल अथल जल में एक कमल था, कमल का ऊपर वो था, कमल हवा में खिलते रहे। बरहा पीड़म नटबर बपु, न है ज्ञान न है बुद्धि न है विद्या, तो विद्या ज्ञान में भी फर्क है, सा विद्या जब मुक्त है वही विद्या है जहाँ मुक्ति मिलता है। ज्ञान ज्ञान अवबोधन धातु से ज्ञान, नट नौ का अर्थ में निकालता है, नटवर बपु नटवर शरीर वर श्रेष्ठ व ब्रह्म राग्नि, वो तो ब्रह्म है लेकिन ऐसा अग्नि है, अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य उपनिषद अर्थ मत निकालो, वो अग्नि का भी परम अग्नि है, अग्नि को जलाने वाला अग्नि, इतना तेजवान पुरुष है वो। कारण यो करने कारण का अरण, ब्रह्मा अरण का मतलब है जल, और का मतलब है का सुख का ब्राह्मणी का मुख का ब्रह्मा का शिव सभी देवताओं का रूप प्रकाश करने वाला वही पार ब्रह्म नारायण। कर्णयु कह अरणयु, अरण संघातनात् जल संघातनात्, ब्रह्मा से लेकर संघात तक विनाश तक वही परमात्मा। कारण यो कर्णिकारम, यो जिन लोगों ने का अरणिकारम
जो संघातन से पैदा हुए और विनाशित संसार में रह कर भी अविनाशी ब्रह्म को ध्यान करते हैं। अकार करणिक अकार अकार अनंत अच्युत अलेख अशेष अनंत अनादि अजीत जीतम जीतम ही अजीतम प्रभु जी का नाम है ये सब ना। अशोक जहाँ शोक नहीं उनको ब्रह्म मार्ग की गहराई ध्यान में चिंतन करते हैं, समाधि योग में प्रविष्ट होकर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि समास का ये कहानी नहीं है। एक एक श्लोक का अर्थ निकालने से लगभग एक घंटा केवल कथा कथा में लगेगा। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं शुद्ध मूर्ख हूँ, मेरा प्रभु जी का कृपा से मैं जो कुछ कहता हूँ, लेकिन कथा अभी सुनता हूँ मैं टीवी पे, कथा नहीं है व्यथा है। क्योंकि जो कथा कहते हैं कथा तो पहले उनको मालूम ही नहीं है क्या कथा है। गाओ नाचो झूमो मौज मस्ती करो वो तो कथा है। सत दीर्घ काल अनंतर्ज संस्कारात दृढ़ भूमि साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। प्रभु का प्रतिज्ञा क्या था? प्रभु का प्रण था कि ओ सिद्ध रूपा जति रूपा श्रुति रूपा और देव रूपा चारों प्रकार गोपियों का साथ उनको लीला रचना करना था, हमारो साथ नहीं है। और गोपी त्रिशः पवित्र हृदयांतरित थे, मन वचन कर्म तीनों का पावन पवित्रता, स्वच्छ मन स्वच्छ कर्म और स्वच्छ वाणी को धारण करने वाले वही गोपी है। प्रजरेणु नचरेणु गंगा जलम नतो जलम ब्रजनारी नचनारी भागवतम न पुस्तकम। भागवत कोई किताब नहीं है। तेनयन वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवना श्रवणा पाठा दर्शन बाबरासी। जो पुस्तक को पढ़ने से सेवन करने से भजन करने से ध्यान करने से लगन लगाने से स्मृति में रखने से घर में रखने से सुनने से कहने से जीवात्मा मुक्ति प्राप्त होता है वो क्या सादा किताब है? नहीं, कभी नहीं। भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महाग्रंथ। करणयो करणिकारम अकारम ये पहला धारिकार। फिर इसका अर्थ दूसरे तरीके से निकालता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था परोक्ष प्रत्यक्ष और अध्यात्म तीनों प्रकार अर्थ तीन तीन प्रकार होता है। ये केवल अर्थ का पहला पाठ है। दूसरा अर्थ बारह ब अरह ब्रह्मनिषि में रास हुआ अरह दिन व ब्रह्म बृहत दिन। ये मानव जन्म का जो 120 साल उम्र है ये बरह है। दिन मां अच्छा काम होता है और रात में बुराई काम करते हैं लोग। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और चंद्र मन का प्रतीक है। मन हृदय से रहते हैं, ज्ञान दिमाग से रहते हैं। अभी ज्ञान मार्ग को आओ बरह ब विशेष बृहत अरह बड़ा और स्वच्छ निर्मल दिन है ये मनुष्य। अपीडम दर्द नहीं, दर्द भूल जाओ, पराया दर्द देखो। फिल्मी गीत कहते हैं ना,
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देख लिया तो मेरा गम में भूल गए। न सोचो गम, मत चिंता करो, वरना अपीड़ा, पीड़ा से दूर रहो, कोई पीड़ा होता है इसको महसूस मत करो, प्रभु में लगन लगा लो और सत्पान करो। भगवान कहते हैं ना गीता में अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सभ्य साथी निष्प्रह हो पद्मपत निवाम बसा। इतना नहीं बाबा, अपीड़ पराये को कष्ट भी ना दो। व्यास जी कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं ध्रुवं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परापीडनं। कथा है, मैं गीत गाना चाहता हूँ नहीं, सब संगीत विहीन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा सम पाप नहीं जगव। बरह अपीडम नटबर बपुहु, नाचने वाले हम तो जीवात्मा है ना, वो नचाते हमको नाचना पड़ेगा, लेकिन अपनों मन में नहीं नाचो। अपना प्राण को हवा लेकर दो, कन्हे लाला का चरण तो उनमें तो जैसे नचाएगा वैसे नाचो। सीताराम 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 कहिए, राधा रमन राधा राधेश्याम 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 कहिए, जय ही विधि राखे राम वही विधि रही, सब प्रभु का इच्छा। और हम तो श्रेष्ठ नाचने वाला नहीं है, ये नस्पर शरीर हमारा दिव्य शरीर नहीं है। सप्तशती चंडी में मार्कंड पुराण कहते हैं विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेव दिव्य चक्षुषि, विशुद्ध ज्ञान सब शंकर जी का है। भगवान का माया मनुष्य हरे और हम तो मनुष्य है, अपना कर्म अपना कर्म फल कर्म का वासना को लेकर संचित प्रारब्ध कर्म क्रियमाण कर्म में हम संसार में बार बार जन्म लेते मरते और कुछ काम करते। रंजित गुणरागे न स जीव जीवात्मा ईश्वर से अंश, अपितु जीवात्मा कर्ममय, कर्म भूमि है ये, भोग भूमि नहीं है। और मनुष्य जूनी भोग के लिए नहीं है, उपभोग के लिए नहीं है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए उपयोग करो, जीवन को उपयोग करो। तब बरह अपीड़म नटवर बपुहु सकर्णयो कर्णिकाराम, कर्णयो दोनों कान में, कर्णिकाराम प्रभु का नाम गुण रस लीला को ऐसे कान का हार बना लो, कान का गहना बना लो, कांगन बना लो, कांगन प्रभु का नाम सुनो, सत्य को सुनो, सत्य को देखो। यह है इस श्लोक का पहला पाद का अर्थ। आ हम चलेंगे दो पर्याय, पहला पाठ दूसरा पाठ हुआ, इनमें सभी श्लोकों का अर्थ लोग जैसे समझाते हैं कथाकारों ने ऐसे समझा दिया, अब गहराई अर्थ में कथा चलता है। ये भी प्रभु का कृपा है, मैं तो शुद्ध मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, कुटिल हूँ, मेरा प्रभु मैं साधु संत ब्राह्मण देवता को गो माता को इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि जब प्रभु जी ने कृपा करके मुझे मानव का जन्म दिया, हे संत महात्मा साधु ब्राह्मण देवता, मैं खोला दिल में कहता हूँ कुछ छल नहीं, कोई फुट नहीं रखते अंदर में मेरा, तुम जब प्रभु जी का पास जाओगे मुझे नीचा या छोटा नहीं सोचकर मेरा हाथ पकड़कर तुम वहीं जाओ, जब जाओगे ठाकुर जी का पास मुझे लोगे और मेरा कन्हा लाला का दर्शन
दिला दोगे कृपा करके, मैं इतना अधम ही हूँ प्रभु के चरण कमल में आज का वाणी को विराम रखता हूँ। और बिभ्रत वेणु बरहापीणम नटवर बपुह कर्णयो कर्णिका, इसका मतलब और भी कुछ है लेकिन एक प्रकार ये निरोधस्यानुशयनम हरे रस्यानुवर्तिन, ये जब निरोध लीला है ये निरोध का ऐसा ही निकाला जाता है। कृष्ण जन्म से लेकर माहिष गीत तक माधुर जलीला ऐश्वर्य जलीला जितना ही प्रभु का लीला है इस सब का अर्थ ऐसे ही निकाला जाता है, यही सही कथा है और इससे ऐसे तरीके से ही कथा चलना चाहिए। प्रभु सबका मंगल करें, लेकिन ये कहने से मेरा घमंडी नहीं है, मैं तो पहले बता दिया ना कि मैं कथाकार ही नहीं हूं, कोई बड़े भक्त भी नहीं हूँ, चाहे उच्च कुल में पैदा हूँ ये जाति का अभिमान भी मेरा नहीं है, मैं भिक्षु है, प्रभु के चरण कमल में भक्ति का भिक्षा कर रहा हूँ और समाज में रुक टुक लत्ते कपड़े का अपने चलने के लिए भिक्षा करता हूँ और चिंता भी नहीं करते, जब मेरा नाथ बाके भी हरि है, सारे सं जग को पालन करने वाला हरता करता संघर्ता, तो उनका चरण कमल में जब आश्रित हूँ तो प्रभु जैसे रखेंगे जैसे जैसे चराएंगे हम ऐसे चलेंगे, वो जंत्री है हम जंत्र है, जंत्र का कोई